नमस्कार मेरे भाइयों, ये मेरे पास में ही नहीं आया है जिसका कंप्लेंट एक ऐसा है कि गाड़ी में स्कैनर लगाने के बाद में कुछ भी डीटीसी नहीं है, पर गाड़ी तो पिकअप नहीं कर रहा और इंजन ज़्यादा शोर मचा रहा है, नॉकिंग कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि स्कैनर तो कुछ भी प्रॉब्लम बता रहा नहीं, पर लाइव गाड़ी में तो दिक्कत है कि गाड़ी पिकअप नहीं कर रहा और ये टाइप टू इनोवा है। तो लाइव डाटा भी ले लिया, कुछ इतना दिखाया नहीं उसने। मैंने इसको सही तरीके से डायग्नोस किया थोड़ा, तो मेरे सामने जो आया वो मैं बातें आपको बताता हूँ। ये जो सेंसर है, ये हमारा बूस्ट सेंसर है और बूस्ट सेंसर को ये जो लाइन आई ये इनलेट से आया है। तो इनलेट से लाइन आने के बाद में बूस्ट सेंसर में यहाँ पर आई, यहाँ पर एक फिल्टर दिया है उन्होंने जो कि कचरा वगैरह इसमें जाके इसको कुछ उसने चोकअप ना करे, इस वजह से फिल्टर दिया है। तो ये गाड़ी में क्या हुआ, मैं जब चला रहा हूँ एक्सलेटर दे रहा हूँ तो नॉकिंग क्रिएट कर रहा है, पिकअप भी नहीं ले रहा सही से। तो जब हमने इसको डायग्नोस करते हो खोला तो ये फिल्टर शायद आपको वीडियो में देखिए यहाँ से क्रैक हुआ है, ये दोनों ओर से ये फिल्टर क्रैक हुआ है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जब गाड़ी एक्सलेटर करती है, बूस्ट बनाती है, तो ऐसे वो बूस्ट लीकेज हो जाता है और हवा लीकेज होने के कारण बूस्ट सेंसर नाप नहीं पा रहा है कि इंजन में एक्चुअल कितनी हवा मिल रही है। और गाड़ी एक्सलेटर देने के बाद में क्या हो रहा है, डीजल इंजन को डीजल ज़्यादा मिल रहा है और हवा कितनी है ये प्रॉपर बता रहा नहीं, इस वजह से गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा और नॉकिंग क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान में ये भी चीज़ रखना कि ऐसी दिक्कतें कुछ आई तो ये फिल्टर को भी चेक करना। अब मैं इसको थोड़ा स्प्रे मार के आपको दिखाता हूँ ये लीकेज किस तरह से हो रहा था। तो अब देखो मैंने इसके अंदर स्प्रे डाल दिया, ये पकड़ो इसको। अब मैं ऐसे स्प्रे इन कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ये एयर लीकेज कर रहा है। तो ये एयर लीकेज करने की वजह से बूस्ट सेंसर नाप नहीं पा रहा था कि गाड़ी में कितना बूस्ट बन रहा है और ये तकलीफ़ आ रही थी। अभी ये फिल्टर नया डालने के बाद में मैं आपको दोबारा से वीडियो डालूँगा। ओके, थैंक यू।